लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और आप लोग कन्फ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कार है, ठीक है, ये जो है कितना स्पीड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। और बोला क्या, कुछ दूरी चला, तो हम मान लेते हैं कि कितना दूरी चला सर, ये है मान लो यहाँ पहुँचा, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, x मीटर है। कितना मीटर मान लेते हैं पापा, बोलो, कुछ दूरी का मतलब क्या है, हमने मान लिया क्या कि x मीटर दूरी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फिर वो एंड रिटर्न्स विथ ए स्पीड ऑफ u, वो जो है वापस आ रहा है u स्पीड से, मतलब यहाँ से इधर गया ये 40 से, लेकिन इधर से आया, रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर इसका रिटर्न होने का स्पीड कितना दिया है बोलो, वो दे दिया आपका u, बिल्कुल u से जो है ना, u स्पीड से ये वापस आ रहा है। तो सर वापस जब आएगा तो सर यहाँ गया, अब यहाँ से फिर से यही आएगा, तो वापस आने में भी दूरी तो सेम ही रहेगा। जरा सोचो कि यहाँ से यहाँ गया तो x चला, तो यहाँ से यहाँ वापस आने में भी तो x ही चलेगा ना, ठीक है। कम यहाँ तक तो बहुत आसान था, अब देखते हैं। बोलता है क्या कि अगर एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, मतलब पूरा जर्नी का, मतलब जाने और आने, एवरेज स्पीड इसका दिया है, एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान समझिएगा। आप इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तो आप काफ़ी जो है ना अच्छा हो जाएंगे एवरेज निकालने में, एवरेज स्पीड से डील करने में। देखिए ध्यान से क्या कहता है कि एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का दिया है 48 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या दिया है ये, 48 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो चलो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बाबू कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ यू, तो बताइए कि वापस जब आ रहा था तो उसका स्पीड, वापस आने वाला स्पीड क्या है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझो। पहले हमको सर ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा बोलो, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। क्या बोला बाबू बोलो, टोटल टाइम ही ये आपका दिया है 48 दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस तो जाने और आने, गया भी x और आया भी x, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा 2x, लेकिन अब यहाँ दिक्कत आ रहा है टाइम, टोटल टाइम क्या। तो सर जाने में स्पीड कुछ और था और आने वक्त में स्पीड कुछ और था। जरा सोच के देखिए कि सर जाने में कुछ और टाइम लगेगा और आने में बिल्कुल कुछ और टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि सर ऊपर में जो टाइम होगा वो भी नीचे टाइम नहीं होगा। बच्चा क्या करता है कि इधर से x, x गया तो x आया, तो 2x हो गया, तो उधर से t गया तो t आया, ये गड़बड़ बात है। टी टाइम में देखिएगा वो कब होगा, जब इधर से टी टाइम लगा तो उधर से भी आने में भी टी टाइम, सेम टाइम जाने आने में कब लगेगा, जब वहाँ पे स्पीड सेम रहेगा। क्या यहाँ पे स्पीड सेम दिया है, नहीं सर, जाने का स्पीड 40 और आने का स्पीड यू दिया है, हमको तो नहीं पता यू क्या है। तो आप कैसे समझ लिए, पहले से समझ लिए कि सर जाने में भी टाइम लगा टी तो आने में भी टाइम लगा, इसका मतलब आपको पहले से पता है, ठीक है, कि दोनों का दोनों स्पीड सेम है। जबकि जब पहले से पता है तो फिर क्वेश्चन बनाने से क्या फ़ायदा है। यहाँ देखो ध्यान से, जाने का स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, आने का स्पीड क्या है यू, इसका मतलब कि हमारा सेकेंड वाला पता नहीं है, तो ये भूल नहीं करेंगे कि सर दोनों में टाइम, जाने और आने वाला टाइम इक्वल नहीं है। तो सर टोटल टाइम करने के लिए हम मान लेते हैं कि जब इधर से इधर गया तो इसका टाइम क्या लगा, T1, और जब वो वापस आ रहा था टाइम कितना लगा, T2। तो T1 अगर निकाले तो हम जानते हैं सर कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सबको पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमको क्या निकालना, टाइम निकालना, तो टाइम अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो सर जाने में हमको टाइम T1 लगा था, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो जाने में कितना डिस्टेंस चला, x हो गया, और हमारे पास क्या टाइम हमारे पास एक मिनट, टाइम नहीं, स्पीड कितना था 40। देखो ध्यान से, तो हमारे पास T1 कितना हो गया सर, टाइम का होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो सर जाने में डिस्टेंस कितना चला x, ठीक है, और हमारा कितना स्पीड चला u से चला, क्लियर होगा, T1 निकल गया। अब हम T2 निकालेंगे सर, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना सर, वापस आने में भी तो क्या x ही चला ना सर, x चला, और बताओ कि स्पीड कितना था, तो स्पीड हमारे पास क्या दिया है, u दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा T2 हो गया। तो हम बस यहाँ भरेंगे T1, तो T1 कितना है बोलो बाबू, T1 प्लस क्या कर देंगे T2 बराबर 48 है। तो आराम से पहले इसको सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है, डिवाइड बाय T1 कितना है सर, T1 है x बाई 40 प्लस T2 कहाँ है, T2 x बाई यू है, ठीक है,
और ये हमारा कितना दिया है 48। बस इसको सॉल्व करते चले जाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हम 2x इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 40u हो जाएगा, 40u हो गया, तो 40 है तो यहाँ पे क्या हो गया xu। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा u से u गया तो 40x हो गया, 40x हुआ ना, क्लियर है, इज इक्वल टू 48। अब हम क्या कर सकते हैं सर, देखिए ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, दोनों में x कॉमन है तो हम क्या होगा 2x ऊपर तो है ही और ये दोनों में x कॉमन है तो x में कॉमन ले लिया तो u प्लस क्या हो गया 40। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो गया 40u। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू 48 है। देखो तो सर, x से x गया काम से, बिल्कुल गया सर काम से। जब इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो 40 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऊपर था, अब पहले क्या हो गया 40u और डिवाइड बाई क्या u प्लस 40 बराबर कितना हो गया हमारे पास 48 हो गया। अब सॉल्व करिए, 40 दुनी कितना होता 80u हो गया डिवाइड बाई u प्लस 40 इज इक्वल टू 48। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो 80u बराबर 48u और प्लस क्या 40 इंटू 48। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो 80u में से क्या होगा 48u माइनस कर दीजिएगा आप। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, लास्ट में तो कटना ही है। तो बताइए 40 ये कितना होगा बताओ बाबू, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, अरे 80 में से 48 घटेगा तो कितना होगा 32। ठीक है, 32u। ठीक है, बराबर कितना हो गया 40 गुने क्या 48 हो गया। अब देखिए u बराबर हमको u निकालना था तो 40 गुने 48 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 32। ठीक है, तो 8 के टेबल में 8 4 जा 8 चौके 32 और 8 5 जा 8 5 40। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे 4 का 4 4 दुनिया 8 12 5 60, तो u हमारा कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वो जो गाड़ी था वो वापस आ रहा था कितना से 60 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो बार कोशिश करिए, बार बार रिपीट करके देखने का, ठीक है, स्लो करके देखने का ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, और प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करिएगा आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो।